वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। ब्राजील में शुगर का भाव 22 रुपए है और हमारे देश में मिनिमम 32 रुपए है। ये साल ब्राजील में ड्रॉट था, हमारे शुगर एक्सपोर्ट हो गए, हमको अच्छा हुआ। पर इस देश में पूरी वेस्टर्न यूपी बिहार, कुछ प्रमाण में कर्नाटक, महाराष्ट्र, इसकी रूरल एग्रीकल्चर इकोनॉमी 186 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी जिसमें गन्ना उत्पादक किसान है, और वहाँ प्रॉब्लम यह है कि शुगर मिल बंद पड़ रही है क्योंकि वो पैसे नहीं दे पा रहे, क्योंकि ऐसी कोई इंडस्ट्री चल नहीं सकती कि 100 रुपीज़ का रॉ मटेरियल खर्चा कर ले लो और 90 रुपीज़ का फिनिश प्रोडक्ट बेचो तो कोई प्रॉफिट में आएगा ही नहीं। तो शुगर इंडस्ट्री का इकोनॉमिक्स बिगड़ गया, इसलिए इथेनॉल के कारण उनको राहत मिली और किसानों को पैसे मिले। तो आज स्थिति ऐसी हुई कि हमारे देश में हमने इथेनॉल निर्माण किया है और अभी इथेनॉल के लिए शुगर सरप्लस है, कॉर्न सरप्लस है। अभी कॉर्न की प्राइस MSP जो थी उससे 400 रुपये सस्ता लोग बेच रहे थे क्योंकि उसको कीमत नहीं थी, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में सब प्राइजेस अब वर्ल्ड लेवल पर निश्चित हो गए, वो हमारे हाथ में नहीं है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से कॉर्न सरप्लस, राइस सरप्लस, व्हीट सरप्लस, अब कभी कभी ब्लेसिंग एंड डिसगाइज हो जाता है। अब रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई तो हमारा गेहूँ चला गया, फिर कोविड में हमने बड़े प्रमाण पर बांट दिया क्योंकि हमें गोडाउन में रखने के लिए जगह नहीं थी, कहीं आप स्टडी करोगे तो। इसलिए आज ये देश की ज़रूरत है कि हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं तो ऊर्जादाता भी बनने की उसकी क्षमता है, तो हमने उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो आज पहली बार ब्रोकन राइस से इथेनॉल तैयार हो रहा है, कॉर्न से इथेनॉल तैयार हो रहा है, इसको और इनकरेज करना चाहिए। हमारी प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, इससे एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी का ग्रोथ रेट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट खड़ी होगी और वहाँ किसानों को पैसा मिलेगा। तो ये इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस है। अब इथेनॉल में एक अच्छा रिवोल्यूशन हुआ कि मैं ऐसे ही पढ़ता था, देखता था और मैं इसमें काम करता था, तो मैंने एक बार ऐसा वेबसाइट पे देखा कि रशिया में कुछ साइंटिस्ट है, उन्होंने इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल के बराबर की है। तो ये जब बात मैंने देखी तो मैं पीछे पड़ा और मैंने इथेनॉल के बारे में जो एक्सपर्ट है चौधरी जी, प्रमोद चौधरी पराज के, उनको बताया। उनने कहा नितिन जी आई फील ये इम्पॉसिबल है, ये संभव नहीं है। पर मैंने अपनी जिद छोड़ी नहीं, मैंने इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य साहब और फरीदाबाद में जो रिसर्च लेबॉरेटरी चलती है इंडियन ऑयल, राम कुमार जी, उनको दोनों को बुलाया और मैंने उनको बुलाकर बोला कि नहीं होगा तो नहीं होगा, ट्राई तो करके देखो। इनका प्रेजेंट, फिर रशिया से उनको लाया, वो मशीन लेके आए, 3 महीने ट्रायल हुई और अभी उन्होंने मुझे और पुरी साहब को उन्होंने लेटर दिया है कि 100% पेट्रोल की कैलोरिक वैल्यू के बराबर इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू हो सकती है। ये ठीक है, प्रूवन एग्जांपल है, प्रूवन टेक्नोलॉजी। तो 1 लीटर ऑफ इथेनॉल नाउ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इक्वल टू 1 लीटर 300 ml इथेनॉल था। तो आज इथेनॉल के कैलोरिक वैल्यू होने से वो पेट्रोलियम कंपनी की थोड़ी झंझट थी कि ये एवरेज कम देता है, वो बात निकल गई और इससे देश के भी 15 से 20 हज़ार करोड़ साल के बच सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल के बजाय अब हमने, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ वो ऑथोराइज बोल रहा हूँ, हवा की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अमेरिका में, कैनेडा में और ब्राज़ील में फ्लेक्स इंजन है। फ्लेक्स इंजन का मतलब ये है कि 100% इथेनॉल और 100% पेट्रोल। आपको मालूम होगा टोयोटो की एक गाड़ी थी कैमरी, वो गाड़ी 100% पेट्रोल डालने के बाद वही पेट्रोल 40% बिजली तैयार करता था, उस पर चलती थी। अब टोयोटो, हुंडई, बाद में सभी कंपनियों का, मैं ही मंत्री हूँ ऑटोमोबाइल का, तो मैं, मेरे पास आते तो मैंने कहा आप फ्लेक्स इंजन लाओ, और अब वो ला रहे, 4 लोगों ने एक्सेप्ट किया, अगले महीने में आ रहे मॉडल्स। और TVS और बजाज और हीरो, इनकी भी स्कूटर और बाइक आई है, वो पेट्रोल के बजाय 100% बायो इथेनॉल पर चल सकती है। अगर ठीक प्रयास किया तो 5 साल के अंदर ऑटोमोबाइल में पेट्रोल का यूज़ 0% पे आ सकता है, जो पोल्यूशन एकदम कम करेगा और उसमें अब कैलोरिक वैल्यू का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। TVS की स्कूटर, बजाज की स्कूटर और हीरो की मैंने लॉन्च की थी,
प्रॉब्लम यह होता है कि आउट ऑफ बॉक्स बातों को लोगों को समझाना बहुत कठिन होता है और सरकार में तो असंभव होता है, क्योंकि सरकार में लाइन खींची है, उसी पे चलने की शायद आदेश है क्या क्या मालूम नहीं, वो चलते हैं। अब मैं तो मंत्री हूँ तो मैं तो सरकारी नौकर नहीं हूँ, तो मैं बोलता कि भाई थिंक ऑन इट, अगर ये होने वाला है तो ट्राई करके देखो। तो अभी पहली बात तो ऐसी कि इथेनॉल की इकोनॉमी आने वाले समय में पेट्रोल का अल्टरनेटिव बन सकती है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे देश में भी डॉक्टर सारस्वत साहब, इसके लिए जो हमारे नीति आयोग के मेंबर है, DRDO के प्रमुख थे, वो बहुत दिन से कह रहे हैं, मैं भी उनके साथ लगातार लगा हूँ, बहुत दिनों के बाद हमको सक्सेस मिला। आसाम में डीजल में 15% मिथेनॉल डालने की शुरुआत हो गई। मिथेनॉल इज फ्रॉम कोल, और मिथेनॉल में जो लो क्वालिटी का कोल है उससे मिथेनॉल भी बनता है, DME बनता है जो 20% LPG में ऐड किया जा सकता है, अमोनियम नाइट्रेट बनता है जो आपको माइनिंग में लगता है, वो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। वही मैं शर्मा साहब को कहूँगा कि आप ईरान में कहीं देख रहे कि कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट अपने को मिलता है क्या, कहीं रशिया में काम कर रहे हैं, तो हमारे देश में इतनी कोल माइन पड़ी हुई है, आप 10-20 लेके आप मिथेनॉल, DME, अमोनियम नाइट्रेट, 350 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, आप भी आपको पता होगा बंगाल में राणीपुर में शायद वो CBM में कोल मेड मिथेन, उससे CNG तैयार हो रहा है। तो हम लोग ये पूरे ONGC की पूरी ताकत दुनिया से गैस लाने के लिए जो चल रही है, अच्छी बात है, ज़रूरी भी है, पर देश में जो तैयार हो सकता है उसके ऊपर भी उतना ही प्रयास किया जाएगा तो भारत आत्मनिर्भर भारत बनेगा और हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग बनेगी। तो आज कोल से मिथेनॉल में भी आसाम में शुरुआत हो गई है 15% डीजल में डालने के लिए। मिथेनॉल और इथेनॉल दोनों से पोल्यूशन बहुत कम हो जाएगा, इथेनॉल तो ग्रीन फ्यूल है, और इसलिए आने वाले समय में हमारे देश की इकोनॉमी को भी मजबूत करना है और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। तो इसके साथ साथ जो तीसरी इम्पोर्टेंट बात है जिसका मैं विशेष रूप से शर्मा साहब को ये बात के लिए रिक्वेस्ट करूँगा कि इंडियन ऑयल ने पानीपत में एक प्रोजेक्ट अब शुरू किया है। वो ऐसा है कि ये परली राइस स्ट्रॉ जो आप दिल्ली में सबसे बड़े चिंतित है, परली जलाने के बाद पोल्यूशन होता है, किसान जलाते क्योंकि उसका कोई उपयोग नहीं है। अब उन्होंने, इंडियन ऑयल ने एक प्रोजेक्ट डाला है पानीपत में, शायद शुरू होगा, वो 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे और 150 टन बिटुमिन पर डे ये परली से बना रहे हैं, और उन्होंने एक आसाम में डाला है, वो बाम्बू से बायो इथेनॉल बना रहे, दैट इज सेकंड जनरेशन इथेनॉल। तो हमारे देश में अभी यही पंजाब और हरियाणा में भी, और वहाँ मैं भी ये प्रयोग करते रहता हूँ, अभी 5 टन ऑफ परली इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो LNG और बायो CNG, और मैंने अपना खुद का ट्रैक्टर कन्वर्ट किया है CNG पर। अब मेरा सुझाव ये है कि इतना गैस इकोनॉमी के तरफ हमको जाना है, और LNG इज द फ्यूल फॉर द फ्यूचर, CNG LNG पे कन्वर्ट होना, और अभी इतना इंडिया से हमको इतना नहीं मिल पाएगा, इसलिए इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। पर अब परली से अगर बायो CNG तैयार होकर अगर एक 300-400 प्रोजेक्ट पंजाब और हरियाणा में लग जाएंगे, तो शायद जो गैस आपको लग रहा है वो काफ़ी प्रमाण में, एक तो परली जलेगी भी नहीं और गैस भी मिलेगा, प्रूवन टेक्नोलॉजी है। एक बात इम्पॉर्टेंट है कि प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड 100% मार्केटेबिलिटी, चारों बातों में जब एक होगा तो ही सक्सेस स्टोरी बनेगी, और इसलिए परली टू बायो CNG और बायो LNG बिल्कुल संभव है। और ये देश में हमने आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए प्रयास करने चाहिए, जिससे हमारे पोल्यूशन के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम एनर्जी इम्पोर्ट हमारा बचा सकते हैं, वो है ग्रीन हाइड्रोजन। अभी स्वाभाविक रूप से पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने भी प्रयास किया है, पर वो ब्राउन हाइड्रोजन तैयार कर रहे हैं। जो पेट्रोलियम से तैयार होता है वो ब्राउन, जो कोयले से तैयार होता है वो ब्लैक, और जो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का हमको चाहिए, पानी से, कचरे से, ऑर्गेनिक वेस्ट से, वो ग्रीन। हमारी प्रायोरिटी ग्रीन हाइड्रोजन है, और ग्रीन हाइड्रोजन में मैं ये मानता हूँ कि जो बायोमास है, ऑर्गेनिक वेस्ट है और सीवेज वाटर है, इससे ग्रीन हाइड्रोजन तैयार हो सकता है। और इसमें अब पेट्रोलियम कंपनी, हमारी नवरत्न कंपनियाँ हैं,
उनके पास इन्वेस्टमेंट की कमी नहीं है, प्रॉफिट बहुत अच्छा है और वर्ल्ड में वो पेट्रोलियम के बड़े बड़े स्टॉक्स ले भी रहे हैं। तो ये देश में ये जो प्रयास है जिसमें आत्मनिर्भर बनेंगे उसके तरफ भी अगर वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो शायद एक समय ऐसा आएगा कि हमें आत्मनिर्भर बन जाएंगे और बन सकते हैं। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से ये जो हमारे देश में एग्रीकल्चर जो पिछड़ा हुआ है, बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास एंड बाय यूजिंग बायोमास वी कैन मेक बायो इथेनॉल, बायो एलएनजी और बायो सीएनजी। और ये होता है तो जैसे अभी आपके यहाँ गोबर गैस तैयार होता है तो धीरे धीरे इसको और इंकरेज करना चाहिए। चौथी बात जो इम्पॉर्टेंट है कि ये जो पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हो रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी हिंदुस्तान में दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और नेचुरल भी है और इसको कोई रोक नहीं सकता।